मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले क्लासेस में हमने डिविजन्स के बारे में जाना था, ठीक है, किस तरह से हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस के थ्रू डिविजन करते हैं, ठीक है। तो आज हम जानेंगे डिविजन के टर्म में क्या क्या टर्म यूज्ड इन डिविजन, डिविजन में कौन कौन से टर्म यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 21 डिवाइड बाय 3, ठीक है, ये आपका डिवाइड बाय का साइन है, ठीक है। तो 21 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 7i, ठीक है, 3 से डिवाइड किए 21 को, ठीक है, 3 से डिवाइड किए 21 को, तो 3 7 जा 21 आया, ठीक है। तो देखिए ये जो 21 है उसको बोला जाता है डिवाइडेड, और ये 3 को बोला, इसको जिसे हम डिवाइड करते हैं उसको बोला जाता है डिविजन, और जो आंसर आता है उसको बोला जाता है कोटिएंट, ठीक है। द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिवाइडेंड, द नंबर्स दैट वी आर डिवाइडिंग बाय इज कॉल्ड द डिविजन, ठीक है। द आंसर इन द डिविजन इज कॉल्ड द आंसर इन द डिविजन, देखो ये आंसर आया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोटिएंट, ठीक है। तो इस तरह से डिवीजन में टर्म का यूज किया जाता है, डिवाइडेंड, डिविजर, कोटिएंट, और यहाँ पर जो बचता है नीचे में है ना उसको बोला जाता है रिमाइंडर, ठीक है, कुछ अगर बच जाता है उसे बोला जाता है रिमाइंडर, ठीक है। तो चलिए इस और देखते हैं, इसमें डिविजन्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डिवाइडिंग ए नंबर बाई वन, जब किसी नंबर्स को वन से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जब किसी नंबर को वन से डिवाइड किया जाता है तो आंसर क्या आता है जी, द आंसर इज इटसेल्फ, ठीक है, वही नंबर आता है। जैसे कि 5 को वन से डिवाइड किए है ना, तो 5 ही आएगा, वी विल बी नीड 5 प्लेट्स। देखिए यहाँ पर देयर आर 5 केक्स, इफ वी पुट 1 केक इन ईच प्लेट हाउ मैनी प्लेट्स विल वी नीड, तो वी नीड 5 प्लेट्स, ठीक है। तो देखिए यदि कोई नंबर दिया गया है जिसे हम 1 से डिवाइड करते हैं है ना, 1 से डिवाइड करते हैं, जैसे कि 5 दिया है उसको यदि हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। सेकंड है, कोई नंबर है जैसे कि 4 है और उसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 को यदि हम 4 से ही डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा आपका 1, ठीक है, कितना आएगा जी 1, 4 1 जा 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें, ठीक है, 0 को यदि हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आता है 0, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा जिसे आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का देखते हैं, इसमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स में 8 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 1 36 डिवाइड बाय 36 और 25 डिवाइड बाय, यहां पर ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक एक को देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो देखिए यदि 8 को 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा ये आंसर, यदि 8 है ना, इसको यदि हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 का टेबल पढ़ते जाना है, 8 से ज्यादा ना हो, तो 1 8 जा 8 ही आएगा, ठीक है, तो आंसर कितना आया 8, ठीक है। 24 को 1 से डिवाइड करना है, 24 को किससे डिवाइड करना है 1 से, ठीक है, तो 1 का टेबल पढ़ते जाना है, 24 से ज्यादा ना हो, 1 2 जा 2 आया है ना, पेंसिल 4 को ब्रिंग डाउन किए और 1 4 जा 4, ठीक है, कितना आया जी 24 आया, ठीक है। 36 को उसी नंबर को उसी से जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है जब उसी नंबर को उसी से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 1, 25 डिवाइड बाय ब्लैंक इक्वल टू दिया हुआ है 1, ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक में दिया हुआ है। तो देखिए
25 को किससे डिवाइड करें ताकि 1 आ जाए, ठीक है, ताकि आंसर कितना आ जाए जी, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो उसी नंबर को जब उसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, तो यहां पर कितना आएगा 25, 25 डिवाइड बाय 25 इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा जिससे आप सबको सॉल्व करना है। थैंक यू।